हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो ले जा रहा हूँ, देखिए एक बहुत ही खतरनाक शेयर, मतलब इतनी बड़ी गिरावट भी हिला नहीं पाई शेयर को। हल्की फुल्की करेक्शन जो आई वो भी अब अपना ट्रेंड को चेंज कर रही है, और वो करेक्शन भी ऐसी करेक्शन थी कि मंथली पे तो उसका कोई इम्पैक्ट देखने को ही नहीं मिला। अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, जो भी वो चेंज हुआ था, अगर इस स्टॉक को आप देखोगे, ये मुझे लगता नहीं है 1 2 4 महीने 6 महीने साल भर वाला स्टॉक है। लंबा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, और अपनी पकड़ जो इसकी इंडस्ट्री में है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप कहोगे कौन सा शेयर है, क्या डिटेल है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बायोकॉन की। उन लोगों से पूछिए जो बायोकॉन से मतलब किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो दवाइयाँ खा रहे हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, या वो फार्मा सेक्टर से हों। बायोकॉन का अलग ही नाम मार्केट में है। ये वो शेयर है जो बढ़िया बोनस भी देता है, बढ़िया रिटर्न्स भी देता है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो इस तरीके से जो शेयर है, एक खासा अच्छा शेयर, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर। लेकिन जब बात आती है टेक्निकल पे, तो भाई टेक्निकल भी अभी के टाइम में तो बिल्कुल गिरे हुए हैं शेयर, लेकिन ऐसे मौके पर भी खड़ा है। और फार्मा के शेयर जनरली अभी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। अब ऐसी बात है तो शेयर को देखते हैं डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल लेवल पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब यूएस मार्केट के हालचाल देख लेते हैं भाई। पहले स्टार्टिंग से पहले देखिए, यूएस मार्केट अभी तो ओपन रहती है शाम को, इसलिए जो भी वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ आपको एक नज़र, एक झलक इसकी जरूर दिखाता हूँ। 400 पॉइंट गिर चुकी है आज की डेट में। नेस्डेक ऑलमोस्ट 129 130 पॉइंट के आसपास ये गिर चुका है, तो मतलब कोई पॉजिटिविटी के आसार देखने को मिल नहीं रहे। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई थी, क्रूड ऑयल थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा था, कल बहुत ही तेजी से उछला था, आज भी अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा था 9 10% के आसपास भी। चलिए ये तो ठीक है। इसके अलावा अगर वायरस के अपडेट देखें तो नंबर आंकड़े बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद आंकड़े हैं। बार बार तो इतनी बार आपको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, उस टाइम पे मैं दिखाया करता था क्योंकि आप यहाँ पे कि निकल लो भाई, मार्केट में निकलने का टाइम था उस टाइम पे। और उसके अलावा मैं जब चार्ट देखूँ नैसडेक का, बायोकॉन पे भी आते हैं, जरा नैसडेक का चार्ट देखें, देखिए किस तरीके से लगातार गिरावट जो है जारी है। आज की डेट की बात है, ये लगातार गिरावट जो है जारी है। और कहीं ना कहीं, देखिए मैं सिंपल तरीके से आपको चीज़ें बताता हूँ, एक दो टर्मिनोलॉजी में, इम्पल्स करेक्टिव में आपको सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और वही चीज़ यहाँ पे भी अभी तक चल रही है। इम्पल्स करेक्टिव का गेम चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई मतलब डाउन ट्रेंड, वही गेम चल रहा है। और पॉजिटिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, पॉजिटिविटी के लिए हमको चाहिए हायर हाई हायर लो। ये देखिए जब तक ये रिवर्सल के लिए, यहाँ पे देखिए रिवर्स हो गया, यही तो चीज़ समझनी है कब रिवर्स हो रहा है। देखिए टाइम फ्रेम चाहे आप छोटा लो चाहे बड़ा लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट को किस तरीके से समझना है, चाहे आप ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बेसिक नॉलेज होने चाहिए। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, सारी लर्निंग वीडियोस ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्रैक्टिस चल रही है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने एंट्री स्टॉप लॉस बता रहे हैं, प्रैक्टिस कर करके हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद लोग टेस्ट रेट लेने लग गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटा इन्वेस्टर जिसके पास बहुत कम पैसा है, वो अपने आप से डिसीजन ले रहा है, और अपने आप से डिसीजन लेके, ऐसा नहीं कि वो सीधे डिसीजन लेके पैसा गंवा रहा है, वो स्टॉप लॉस लगा रहा है, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बायोकॉन के ऊपर। बायोकॉन मैं एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का शेयर मानता हूँ बायोकॉन को, नो डाउट। 290 रुपये के आसपास आज पहुंच गया है। अभी बायोकॉन के शेयर में हमने जब ट्रेंड रिवर्सल की बात करी थी, अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड रिवर्सल की बात करी थी, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा था पॉजिटिविटी, वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम दिख रहा था। तो देखिए पहले ही आपको ये अपडेट कर दिया गया था बायोकॉन के शेयर के बारे में, और आज की डेट में भी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। 4% का उछाल मार्केट गिरी थी फिर भी देखने को मिला है। अब बायोकॉन के शेयर में ऐसा क्या है, ठीक है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरी हर शेयर देखिए कोई 50% कोई 60% इसकी रेंज के स्टॉक्स देखिए 40 से 50% तो सब गिर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये अभी भाई 990 290 200 289 290 के आसपास टिका हुआ है, बीच में हाई 320 के आसपास जरूर बनाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ। लेकिन नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया, और आजकल तो भाई काम है इनका, टाइम है पैसा कमाने का। और देख सकते हो अब आप टेक्निकल पे, अब टेक्निकल पे जब भी हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं देखिए, मगर मैं मंथली की बात करूँ, देखिए हल्की फुल्की करेक्शन इसमें हमेशा आई है, लेकिन कोई आज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट देखिए, यहाँ पे 2008-09 में धड़ाम से नीचे गिर गया था।
लेकिन इस बार तो जो है, जो इस बार पेंडेमिक है, वो पेंडेमिक किस भी रीजन से है, वो पेंडेमिक आप देख पा रहे हो, वो एक बीमारी है। बीमारी में दवाइयाँ काम आती है, दवाइयों पर रिसर्च काम आती है, और इसीलिए बायोकॉन का शेयर ही वही है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च का काम करता है। 2015-16 में भी आप देखिए ये वाली गिरावट आई थी। और बड़े लोग जो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म वाले, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप करेक्टिव, आपके वाले करेक्टिव को रिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही आप देख सकते हैं मंथली का करेक्टिव है, ये रिजॉल्व यहाँ होता हुआ दिखा है, उसके बाद किस तरीके से मोमेंटम आया। फिर ये वाला करेक्टिव है जो देखिए मंथली बेसिस पर आप देख सकते हो, ये यहाँ होता हुआ रिजॉल्व दिखा है, तो देखिए किस तरीके से जंप आया। तो इन करेक्टिव को रिजॉल्व होने में टाइम लगता है, इसीलिए इसमें पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है। और अभी अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला करेक्टिव रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अभी का नहीं है, बल्कि देखिए अभी तो हल्का सा ये रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन इस करेक्टिव को देखिए, ये करेक्टिव 2018-19 से चलता हुआ अब जाके रिजॉल्व होने को नज़र आ रहा है, और लगता है कि हाँ भाई बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है शेयर में आने वाले टाइम पे, क्योंकि हर करेक्टिव रिजॉल्व होने के बाद बड़े जंप यहाँ पे बायोकॉन के शेयर में देखने को मिला है। नो डाउट लॉन्ग टर्म का शेयर है। और अगर वीकली पे देखें तो वीकली पे ऑलरेडी दो लंबे लंबे लोअर शेडो जरूर देखने को मिली, और इसने अपने 52 वीक मैं कहूँगा 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज को, यानी कि 240 के लेवल को टच किया। उसके बाद पॉजिटिविटी आ चुकी है, ऑलरेडी 50 रुपये शेयर जंप कर चुका है, और कहीं ना कहीं एक बहुत तेज़ी का माहौल इसमें देखने को मिल रहा है। और 320 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके लिए, क्या ये रेजिस्टेंस का काम करेगा या इस लेवल को पार करेगा। उम्मीद है कि इसको बहुत ही जल्दी इसको पार करने की कोशिश हो, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे क्या करेक्टिव्स, और वो करेक्टिव्स आपके लिए एंट्री के मौके हो सकते हैं। और कुछ दिन पहले भी मैंने बात करी थी कि डेली पैटर्न पे भी मुझे यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और आज भी मैं वही कहूँगा कि जिस तरीके से स्टॉक बिल्कुल धराशायी होता हुआ गिरा, 240 के आसपास आ चुका था, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जंप आया, फिर करेक्शन आया, फिर एक बड़ा जंप आया, फिर एक करेक्शन आया है, फिर एक जंप आया। देखिए किस तरीके से हायर हाई हायर लो सीरीज बनते जा रही है, और मुझे लगता है कि अगले फिर से एक करेक्शन आएगा, और आपके लिए यहाँ पे 268 का स्टॉप लॉस तैयार है लास्ट करेक्शन में। अब जो करेक्शन आएगा वो आपके लिए एंट्री का बढ़िया मौका हो सकता है। मैं रिपीट करूँगा कि ये कोई टिप या रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, ये जो चार्ट को हम ऑब्जर्व करके आपको बता रहे हैं, आप अपने डिसीजंस लें उसी के बेसिस पे, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके डिसीजन लें। लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, जो अपनी अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो देखिए अगला जो है एक करेक्टिव का इंतजार जरूर रहेगा इसमें अगले एंट्री के लिए, अगर आप करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। करेक्टिव जरूर आएगा, छोटा बड़ा नहीं तो छोटा जरूर आएगा करेक्टिव। यूएस मार्केट आप ऑलरेडी देख पा रहे हो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपके साथ अगर इसमें शेयर करूंगा तो वो ये है कि अगर मैं आवरली पे जाता हूँ, डेली पे जाता हूँ, डेली पे भी आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि आवरली पे देखिए, अब आप इस स्टॉक में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, 5 मिनट, और मंथली वीकली डेली आवरली, आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात करी थी, जो आवरली बेसिस पे मुझे मेन पॉइंट दिख रहा था वो ये लाइन थी, और ये लाइन पार हो चुकी थी, ये लाइन पार पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद ये करेक्टिव एंट्री का बढ़िया मौका था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्रॉस का। लेकिन हमारा मानना है कि इम्पल्स में कैसे एंट्री ली जाए। इम्पल्स में एंट्री तो हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको भाई अगला करेक्टिव का इंतजार कीजिए। और ये करेक्टिव यहाँ पे आया, इस करेक्टिव के हायर लो बनने के बाद फिर जाके अब आप यहाँ पे रिजोल्यूशन के बाद एंट्री धीरे धीरे, और उसके बाद ये आपको बहुत बड़ा मौका यहाँ पे दिखा था। अब स्टॉक धीरे धीरे अप जा रहा है, और अगला मौका फिर से अगर आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टाइम है, अभी फिर से करेक्टिव बनेगा, जरूर कोई ना कोई करेक्टिव आपको बनता हुआ नजर आएगा अभी आने वाले टाइम पे कभी ना कभी, और मौका आपके पास फिर से, अभी मौका गया नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब गिरता है ना शेयर, तब एंट्री करना काफ़ी टफ काम है, काफ़ी रिस्की काम होता है। मतलब वो कहते हैं ना, फॉलिंग नाइफ को कैच करना काफ़ी टफ होता है और काफ़ी रिस्की होता है। इससे अच्छा भाई आप देखिए, अब ये शुरू कर दी इसने अपसाइड जर्नी, अब आप अपना सबसे पहले स्टॉप लॉस देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 268 की रेंज जो आपकी स्टॉप लॉस है। अब देखिए करेक्टिव बनेगा, अगर इससे नीचे तक ये आता है, करेक्टिव रिजॉल्व अगर इससे नीचे आ जाएगा, अभी एंट्री नहीं लेनी, करेक्टिव के बाद लेनी है, तो करेक्टिव रिजॉल्व होगा फिर एंट्री लेनी है। और वॉल्यूम आप देख ही पा रहे हो शेयर में, बहुत तेजी से बड़ा बड़ा वॉल्यूम बाइंग का देखने को मिल रहा है। चलिए ये अपडेट था बायोकॉन से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा आपको। ये शेयर जो है अभी HDFC बैंक रिलायंस से बड़ा शेयर मैं कहूँगा इसको। अब आप कहोगे कैसे, देखिए जिसकी जब वैल्यू है तभी उसकी जो है
मैं कहूंगा आज की डेट में इसकी वैल्यू है तो ये बड़ा शेयर है, कल की डेट में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की वैल्यू होगी तब वो बड़ा शेयर होगा, आज की डेट में तो वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। और फाइनेंस के शेयर में तो बड़ी गिरावट चल रही है भाई, बहुत ही नीचे धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर और भी गिर सकते हैं। चलिए अपडेट था भाई कौन सा रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।